असल नमस्कार हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू फारूक हसफ तो गाइज़ आज जो है हम खादर भाई के गोट फार्म को आए हैं माशाल्लाह यहाँ पर आपको हम गुलाबी एक काफ़ी शानदार सेटअप है मैं वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्म में देखा हूँ काफ़ी सेटअप करते हैं लेकिन यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से छोटा फॉर्म है लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे अंदाज़ में कादर भाई यहाँ पर गुलाबी सेटअप किए हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक एक इंफॉर्मेशन दे तो चलिए हम देखते हैं और देखकर आपको पार्ट बाय पार्ट पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे करके सारे जानवर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक और पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए आपको उसमें क्या बताया जा रहा है तो चलिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की तो आप हमसे जुड़े रहिए तो देखते हैं आगे की वीडियो तो चलिए आ, तो यहाँ पर जो है खादर भाई आ, अपने अंदाज में और अपने हिसाब से जो है छोटी सी जगह में काफ़ी अच्छा एक सेटअप किए हैं मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो है गुलाबी आ, गुलाबी बकरी हैं यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह एक बार ज़रूर कहिए क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ के सारे जानवर बताने की तो फ्रेंड्स मैं आपको अभी जो ये आ, सारे जानवर बता रहा हूँ इसको एक एक करके मैं पार्ट बाई पार्ट पार्ट बाई पार्ट आपको एक एक करके अलग अलग से बताऊँगा यहाँ पर बैंटम भी है आ, वो भी बताने की कोशिश करूँगा और जो है मेल गुलाबी में मेल जो काफ़ी फेमस यहाँ पर हमारे आदिर भाई के पास है मैं वो भी बताऊँगा फर्स्ट तो आपको ये छोटी सी एक क्लिप बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट ले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि भाई फॉर्म कहाँ है किधर है कैसा है जानवर कैसे है तो इसकी सारी डिटेल हम देंगे तो चलिए अब हम एक एक करके सारी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये इसमें बैंटम भी है इंडियन गोल्डस भी हैं और बंगाली भी हैं सभी हैं तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी वीडियो आ, तो गाइज़ हम फाइनली यहाँ पर अब्दुल्दिर साहब से बात कर रहे हैं और यहाँ पे जानेंगे जिस तरीके से इनका सेटअप है और यहाँ का एड्रेस है और कौन कौन से जानवर यहाँ पर बताने वाले हैं हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे असल कादिर भाई सलाम भाई माशाल्लाह कादिर भाई इस बार जो है काफ़ी अच्छा कलेक्शन आप गुलाबी में ज़्यादा कर दिए हैं जी भाई तो माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को हम सारी डिटेल बताएंगे सबसे पहले जो बता बताएँगे या मेल या फीमेल भाई ब्रीडर बताएंगे अपने पास तीन तीन ब्रीडर है अपने अच्छा इनशाला उससे मुलाकात करेंगे बताएंगे शॉप करेंगे लोग ठीक है खादी भाई अपना जो यहाँ का एड्रेस और फोन नंबर एक बार बता दीजिए हमारे भी बार बार जो है पूछते रहते हैं जी जी सेम है अपना एड्रेस स्टार्टिंग से जी जो एम एस पालिया विद्याणीपुरा पोस्ट आता है जी यहाँ के और मेरे कांटेक्ट नंबर रहेंगे कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ जो भी भाई बात करना चाहे तो इनशाला मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें ठीक है नंबर दे देता हूँ डबल नाइन जीरो जी करेंगे। जी। कोई तो... कर सकते हैं लेकिन बिजी रहते हैं जो, जो इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो कॉल तो कुछ टाइमिंग है टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं भाई कभी भी कभी भी कर कभी भी कर सकते हैं लेकिन अगर बात करना ही है तो शाम के टाइम में करे ठीक है तो खादिर भाई चलिए अब अपने जानवर बता दीजिए देख लेंगे ठीक है भाई सबसे पहला जानवर हम दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को आ, इसको तो हम दो बार अभी तक दिखा चुके हैं यो योम है ना योम है अच्छा योम है माशाल्लाह तो गाइज आप पिछली बार भी देखे हैं इसकी डिटेल हम कादिर भाई से ही जानेंगे कादिर भाई इसकी थोड़ी डिटेल बता दीजिए थोड़ा आवाज से बोलिए भाई माशाल्लाह देखिए ये ये नूरी का बेटा है करेंगे माशा काफी पंच में है काफी गुलाबी है और खादिर भाई इसकी डिटेल फिर एक बार बताइए क्योंकि जब जब देखते हैं उसकी डिटेल लोगों को बताना चाहिए भाई एकदम गुलाबी है देखिए भाई ये इसकी माँ एकदम गुलाबी थी नूरी बकरी जो है आप अच्छा। देखे होंगे नूरी बकरी जी तो माशाल्लाह उसी का बेटा है ये जी और बाप जो है सिकंदर है इसका जी बाप सिकंदर है ठीक है गुलाबी में है एकदम पूरा ठीक है झाला हाँ। पट्टी दे देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी देखिए आप कान देखिए खुले साफ कान का है एक नंबर क्वालिटी का बच्चा है भाई अभी कितने दांत पे है कादिर है? भाई दांतों का तो वैसा मसला नहीं रहता तो मैं समझता हूँ चार दांत का रहेंगे अभी चार दांत पे है जी चार दांत लगा रहा है अभी ठीक है माशाल्लाह अभी कितने बकरी भराए हुए हैं अभी भाई अभी बकरिया अपनी भरी हुई भी है अभी कुछ एक बीस एक बच्चे हो चुके अपने पास अच्छा, कुछ अपन ने अच्छा, कुछ अपने साथ ही लोग बच्चे और अच्छे बच्चे बना रहा है जिसके बच्चे भी दिखाएंगे इनशाला ठीक है जरूर देखेंगे तो अभी इसकी एज कितनी हो गई अभी एज होगी भाई दो साल के अंदर अंदर का रहेगा दो साल तक रहेगा भाई ठीक है थोड़ा सा तो गाइज़ आप देखिए एकदम गुलाबी में है काफ़ी शानदार है काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए और कमेंट्स में एक बार माशाल्लाह ज़रूर कहिए तो ये जो हम अभी तक इसको तीन बार बता चुके हैं और काफ़ी अच्छी डिटेल भी है इसकी और काफ़ी हेल्थी बकरा है देखिए एक, एक थोड़ा सा फेस मैं बताता हूँ आपको माशा और झालर देख लीजिए तो चलिए हम ऐसे दूसरे को भी देखते हैं अभी बहुत सारे यहाँ पर फीमेल्स भी हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे मगर पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे खादिर भाई। एक पार्ट वन, पार्ट करके बता देंगे ठीक है तो आ, तो माशाल्लाह माशा भाई ये कौन सा है ये भाई ये हमारा गोल्डी है अच्छा माशाल्लाह ये हमारे नैना का बेटा है जी ये कितने दांत पे है ये भाई अभी दांत नहीं डाला ये अच्छा अदंत है ये जी तो माशाल्लाह गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक अदंत है काफी अच्छा मेल है ये भी जो है गुलाबी में आता है पूरा गुलाबी है मेरे भाई देख सकते हैं आप अच्छा माशा तो यहाँ पर हम ये आपको कोशिश किए हैं बताने की तो अभी ये इसकी कुछ ब्रीडिंग वगैरह करवाए नहीं भाई अभी तक तो लिए नहीं उस लेवल में हाँ एक बकरी गाब करा है हमारी रजिया खाला को अच्छा देखते हैं इनशाला तो गाइस माशाल्लाह देख सकते हैं आप काफी गुलाबी में है काफी अच्छा बच्चा है अदंत है खादिर भाई के पास ही है ये थोड़ा सा खादिर भाई आप फिटी छोड़ दीजिए ऐसे इसे तो माशाल्लाह अच्छी पर्सनालिटी है एक्टिव है बिल्कुल इसको डांस सिखा दिया खादिर भाई जी 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 जरूरी है माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो चलिए खादिर भाई माशाल्लाह देखे चला खातिर भाई ये तीसरा है जी अच्छा इसका क्या नाम रखें भाई ये यासूद है अच्छा अंबर का बेटा है ये डायरेक्ट अच्छा माशाल्लाह जी तो देख सकते हैं आप क्वालिटी में अच्छा, माशाल्लाह ये भी गुलाबी में है है जी जी गुलाबी अबलाख है ये अच्छा गुलाबी अबलख है जी ये ब्लैक नहीं है ना? ये ब्लैक ब्लैक नहीं नहीं है है ना भाई अच्छा गुलाबी में इससे पहले मैंने दिखाया था यूम वो पूरा गुलाबी था अच्छा सफेद पन ज्यादा था उसके बाद जो दिखाई सेकंडा सेकंड वाला गोल्डी था गोल्डन गोल्डन में था थोड़ा जी पीला अबलाख जी और ये जो है अबलाख है अबलख है जी तो माशाल्लाह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये थोड़ा एग्रेसिव है ज्यादा जी जी भाई तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी आवाज सुनिए आप लोग <laughs> तो माशाल्लाह काफी अच्छा है अभी ये कितने दांत पे है ऐसा कुछ बता सकते सेम ऑलमोस्ट चार दांत चार चार पे है तो इसके भी कान देखेंगे काफी ये साइज कितना होगा वो कान का इसका भाई रहेगा इक्कीस रहेगा समझता हूँ जहाँ तक अच्छा अभी जो हम दो बकरे देखे वो लोग के कान का साइज उनका भी ऑलमोस्ट के आसपास रहेंगे अच्छा माशा तो माशाल्लाह देख सकते हैं फ्रेंड्स काफी शानदार है आ, इसका भी पंच है ना जी भाई पंच अच्छा है तो यहां पर देख सकते हैं। काफी शानदार है आ, जी, और मारबल सिंह है ना मार्बल सिंह है जी 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 तो, जी. तो आप देखिए कैसा लगा जरूर हमें कमेंट्स में बताइए इनशाला थोड़ा सा आप हाथ छोड़िए देखेंगे कोशिश करेंगे इसको लेने की नहीं ऐसा नहीं आ रहा है वो ऐसा इसका फुल बॉडी लेना है बस ठीक है छोड़ दीजिए